आपको क्या लगता है 2024 में मोदी जी आएंगे, कौन आएगा? बिल्कुल मोदी जी आएंगे। क्या ऐसी क्या खासियत मोदी जी? क्या खासियत नहीं है पूछो। नहीं, महंगाई इतनी चरम सीमा पर आ गई है। महंगाई और कंट्रियों को देखो तो कुछ भी नहीं है इंडिया में। अच्छा। इंडिया तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। नहीं, विपक्ष का तो यही हमेशा से ब्लेम रहा है। विपक्ष का क्या है कि विपक्ष पहले ये तो सोच ले कि उनके पास कोई है उनके अगेंस्ट खड़ा करने के लिए, मोदी जी के कोई है ही नहीं। नहीं, कोई नहीं है। नहीं, एक चीज और है कि राहुल गांधी जी सबसे पढ़े लिखे नेता है, उनके विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि राहुल जी पढ़े लिखे नेता, उन्हीं की पार्टी कहते हैं, वो 8वीं 10वीं पास है। नहीं, उन्होंने उन्हीं की पार्टी विदेश से तो कोई भी जाकर इंग्लिश बोलने सीख लेते, वो पढ़ा लिखा हो जाता है। अच्छा, महंगाई, रसोई गैस इतनी, दाल इतनी महंगी हो गई, तेल इतना महंगा हो गया। टाइम पे कौन सी चीज महंगी नहीं थी? कांग्रेस के टाइम में 500 रुपए सिलेंडर था, सिलेंडर ही था ना। उसके बाद प्याज आए तो प्याज का क्या हाल था? नहीं, प्याज तो फिर बढ़ गया था, डाउन हो गया। और करप्शन कितना था? करप्शन कितना था? करप्शन अब कहाँ है? किस चीज में करप्शन है बताओ? करप्शन है ना, लेकिन पहले तो बिल्कुल ओपन था, अब कहाँ है बताओ? अच्छा, आप बताओ, ओपन था पहले तो, बिल्कुल ओपन था। ये घोटाला, वो घोटाला, अब बताओ कौन सा घोटाला है, कौन सा नेता फंसा है घोटाले के अंदर? नहीं, तो एक चीज और है, जब पक्ष वाले सब सीआईडी तो विपक्ष में लग रही है। ये लोग कहते हैं, पहले जब कांग्रेस में कोई होता है नेता, कहते हैं कि इस पे ये आरोप है, ये आरोप है, ये भ्रष्टाचारी है, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते सब कुछ साफ हो जाता है। लेकिन बीजेपी में तो जब ही आते होंगे जब पहले उनको क्लियर कर दिया जाता होगा। एक चीज बताने, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार हमेशा से बोलती है विपक्ष वालों की परिवारवाद पे चलते हैं लोग, मतलब अपने लड़के को सारी चीजें, लेकिन जब इनके पक्ष में एनडीए में वही पार्टियां आ जाती हैं तो परिवारवाद खत्म हो जाता है, करप्शन खत्म हो जाता है। नहीं देते ना परिवारवाद बीजेपी में आने के बाद। नहीं, तो उसरा का जो राजनाथ सिंह का लड़का, वो भी विधायक है, आया फिर, लेकिन ऐसे तो नहीं आया ना कि ओपनली सारी चीजों पे वही हथियार करके बैठ जाए, जैसे कांग्रेस में होता है। अच्छा, सारी चीजों को ऑक्यूपाई वो ही करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। राजनाथ सिंह ऐसा तो नहीं है कि अपने लड़के को प्रधानमंत्री बनवाना चाहेगा। नहीं, अभी 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 अगर आप बात करें तो यहाँ बिहार के पासवान जी की बात करें तो अभी पासवान जी के ऊपर करप्शन था, लेकिन पासवान जब से एनडीए में आ गए तब से सब क्लीन हो गए। लेकिन वो बिल्कुल आउट भी तो हो गए थे बीच में। अच्छा जी, बिल्कुल आउट हो गए थे, बीजेपी ने धक्का मार दिया था ना उन्हें। अब उनके बाद बेटा फिर से कोशिश कर रहा आने की, लेकिन वो अगर वो ठीक होगा, अपना काम करेगा तो जनता अपनाएगी, तभी बीजेपी भी अपनाएगी। तो जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है आजकल। और मोदी जी, पहली बात तो जब प्रिंसिपल अच्छा हो तो टीचर अपने आप अच्छे होते हैं। इस पार्टी में प्रिंसिपल अच्छा तो नेता तो अपने आप से खुद ही बखुद अपना सारे काम अच्छे से करते हैं। हर पढ़ा लिखा अच्छा जो स्टूडेंट होगा वो पढ़ा नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, उसके अंदर गुण नहीं होता कि वो, मतलब ये गुण अलग होते हैं, पढ़ाने का गुण अलग होते हैं और पढ़ने का गुण अलग, नॉलेज मतलब बहुत नॉलेज होती है किसी के पास, लेकिन वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। प्रेजेंटेशन, वो स्किल, वो जो स्किल मोदी जी में है वो किसी में भी नहीं है। मतलब एजुकेशन मायने नहीं रखती आपको, प्रेजेंटेशन आपकी बेसिक, प्रेजेंटेशन मायने रखती है मायने, लेकिन प्रेजेंटेशन सब में नहीं होती, मोदी जी में प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या उस एजुकेशन का? अच्छा, और बताना, मतलब क्या महिलाओं के लिए, मतलब बीजेपी सरकार बहुत सिक्योर है? महिलाओं के लिए तो एक ही पार्टी सिक्योर, वो है सिर्फ बीजेपी। अच्छा, जिसमें महिलाएं आज अकेली कहीं भी, मतलब दिल्ली में नहीं, पूरी यूपी में नहीं, कहीं भी, हम लोग उत्तराखंड हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी हम जा सकते हैं और अकेले ही जाते हैं। हाँ। और हम अकेले, ऐसा तभी से हुआ जब से बीजेपी सरकार आई है। एक मिनट, नहीं तो हम दिल्ली में भी अकेले निकलने में, प्रियंका गांधी जी हमेशा कहती है मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी तो लड़कियों के नाम पे कहना नहीं चाहिए, मतलब गलत नहीं सब मैं बोलना चाहती, लेकिन वो पता नहीं उनकी सोच कहाँ है, लड़कियों वाली सोच ही नहीं है उनकी, लड़कियों वाली सोच बिल्कुल सोच नहीं है उन्हें। यूपी में कोई अपनाता, कोई नहीं अपनाता ना। आप एक मिनट, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरती दुनिया झुकाने वाला चाहिए, मोदी 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 सिर्फ मोदी सिर्फ मोदी। लास्ट प्रश्न है, आप लोग मोदी जी को, जब बीजेपी सरकार को मोदी जी का, मोदी जी का चेहरा देख कर वोट देते हैं कि कैंडिडेट का चेहरा? नहीं, कैंडिडेट का नहीं, हम काम देख करके, काम देख करके। ऐसा है, आप भी इतनी जगह घूमते हो, आपने देखी रोड ऐसी थी कभी? तो जहाँ हम छह घंटे लगते थे वहाँ पे एक डेढ़ घंटा दो घंटा मैक्सिमम लगते, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता ना। नहीं, अब ऐसा लगता है कि हम कहीं टूर करने जा रहे हैं तो हमें कुछ अच्छा लगता है। पहले तो टूटे जी के इसमें तो काम बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाए तो, मतलब महंगाई वगैरह बहुत, बेरोजगारी। अभी G20 के ना जो हुआ उसमें कितना नाम हुआ है इंडिया का, देश में हर जगह इंडिया ही इंडिया होगी, हर आदमी आकर के ऐसे नमस्कार कर रहा है। वो तो बात सही है। एक चीज और बताएं, G20 की भाग जाएंगे।
G20 का बात कर रही है, G20 में 900 करोड़ रुपए का बिल पास हुआ था लेकिन करीब 4000 करोड़ रुपए का बिल लगा है, मतलब पैसा लग गया है। तो ये जनता का पैसा इतना गया जिसके बारे में क्या बोले। विपक्ष बोल रहा है कि विदेशों को चांदी की थाली में खिला रहे हैं और गरीब लोग यहाँ। तो हम अगर अपनी वेल्थ नहीं दिखाएंगे लोगों को तो हमें वैल्यू कौन देगा? अगर हम चांदी नहीं दिखाएंगे कि हमारे पास भी चांदी है तो हमें वैल्यू कौन देगा? हम बताओ उस पर पत्तल पे खिला दें ताकि कहें कि कंगला जैसे पाकिस्तान है? बताओ ये चीज़ है, बताओ गलत बोल रही हूँ क्या? दिखाना पड़ता है कि हमारे पास सोना चांदी है, हम बड़े लोग हैं। बड़े लोग नहीं है, हम अपनी वैल्यू दिखा रहे हैं। जब वैल्यू दिखाएंगे तभी सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा। लंबी वाली गाड़ी जाएगी तो उसी को देखोगे, रिक्शे वाले को देखोगे? बताओ, आपकी उम्र इतनी है, आपने कई सारी सरकारें देखी होगी और हमें लगता है मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे। आपके सामने हमें लगता है प्रधान मुख्यमंत्री वहाँ के बने होंगे, फिर प्रधानमंत्री बने। आपको क्या हमारे इलाके से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने जो मणिनगर से ही? अच्छा, आपके यहाँ से विधायक? यस, मैं उसका वोटर्स हूँ। हाँ, मणिनगर एरिया से ही फर्स्ट टाइम वो गुजरात के CM बने थे 2002 में। तो उस समय स्थिति क्या थी गुजरात की, उसके बाद वाली स्थिति क्या, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों? डिफरेंस बहुत है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है। डेवलपमेंट अच्छा किया? हाँ, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है अहमदाबाद के अंदर। जैसे रिवर फ्रंट बना दिया उन्होंने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, मोदी स्टेडियम बना दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री जी अन्य पार्टियों को पहले जब उनके ग्रुप में नहीं रहते हैं तब बोलते हैं ये करप्टेड हैं, भ्रष्टाचार हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन वही पार्टियाँ जब NDA में शामिल हो जाती हैं तो वो फिर सही हो जाती है। वॉशिंग मशीन है ना भाई, वो तो BJP वॉशिंग मशीन है। ये कैसी वॉशिंग मशीन? वो ही है, वो समझ लो, जब धुले दाग के धुले होते हैं उसमें आ गए तो वॉशिंग मशीन में नीला दिया, वो परफेक्ट हो गए। राहुल गांधी जी का मतलब जो इंडिया का है, उनमें थोड़ी बहुत है बचपना है उनमें, राहुल गांधी में थोड़ा बचपना है, अभी परिपक्व हो रहे हैं वो, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो आपको, आपको लगता नहीं कि 28 दल का महागठबंधन तैयार हो रहा है मोदी जी की समय स्थिति? पॉसिबल तो नहीं है, सीटें में फर्क होगी, सीटों में फर्क होगी। सिलेंडर सस्ता कर दिए उसके डर के हमारे आपको नहीं होगा? मैं बोलता हूँ होगा ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में गैस इतनी महंगी है, इसके तुलना में अपने गैस सस्ता है। एक चीज़ और बताना है, जो फ्री फ्री कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम आपको मतलब जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, अभी मध्य प्रदेश में बोले 100 यूनिट हम फ्री देंगे, फ्री वाला कहाँ तक? मुफ्त की रेवड़ी वाले तो हर कोई पार्टी है मुफ्त ही बांटती है, पैसा पब्लिक का ही होता है, हर कोई आदमी हर कोई पार्टी वाला मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है, लेकिन कई लोगों को पसंद है, कई लोगों को नहीं है पसंद। मेरे को मुफ्त नहीं चाहिए तो मैं नहीं लेता हूँ। फ्री का सही नहीं है समझ? नहीं, बिल्कुल नहीं है, आदत हो जाती है। मांग के आदमी खा सकता है, आदत नहीं है। 5 किलो अगर राशन के लिए बोल रहे हैं तो फ्री मांग के खा सकता है आदमी। हाँ, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल दे रहे हैं, 1 किलो रिफाइंड में पूरे महीने का हो जाएगा एक आदमी का? 5 किलो राशन में हो जाएगा, आप बताइए। वो विपक्ष तो ये बोल रहे हम फ्री देंगे, तो फ्री पे लोग तो क्या सही नहीं होना? ये तो गलत बात है, फ्री नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। तो आप लोग किसे आप युवा आप किसे सपोर्ट करेंगे? हम तो बिल्कुल जो संविधान का हमारा सपोर्ट करेगा हम उनका सपोर्ट करेंगे। 2024 में आपको क्या लगता है दोबारा मोदी जी आएंगे? 100% आएंगे, 100% 100% तो एक चीज़ और, 100% की आप बात कर रहे हैं, 28 दलों का गठबंधन मतलब तैयार हो रहा है विपक्ष में? हाँ, वो कोई बात नहीं है, आएंगे मोदी जी, गठबंधन होने दो। राहुल गांधी जी का तो ये कहना है कि देश को मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, बेच दिया। उन्होंने क्या किया था, वो तो गिरवी रखे आए थे, मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। नहीं तो आप मतलब वो है कि वो बोल रहे हैं कि अडानी तो और अंबानी का ही सब बिल माफ करना है और किसानों से नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। किसान कौन सा भूखा मर रहा, पहले कौन सा किसान रईस था? अच्छा जी, किसान पहले कौन सा रईस था? वो तो बोल रहे हैं कि भाई सारी चीज महंगाई है तो लोगों के राशन पानी भी, मतलब जो किसानों की जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा होना चाहिए। सब ऐसे कहने सुनने की बात है।